सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको द्राक्षाश्व के बारे में बताने वाले हैं। इसमें द्राक्षाश्व ये दो तरह का आता है, एक बैद्यनाथ का ये है द्राक्षाश्व स्पेशल और दूसरा है द्राक्षाश्व। ये जो द्राक्षाश्व स्पेशल है ये द्राक्षाश्व से थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ एक्स्ट्रा मिली हुई होती हैं। इसमें दोनों में रेट का काफ़ी अंतर है और जो स्पेशल वाला है उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं और ये और ज़्यादा रोगों में काम करता है। दोस्तों, ये जो द्राक्षाश्व है इसका प्रयोग बच्चे बूढ़े जवान सभी उम्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से गुणकारी है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। द्राक्षा से द्राक्ष बोलते हैं अंगूर या मुनक्खा को और उन्हीं से इसको बनाया जाता है। आज हम आपको इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, किन किन औषधियों के मिश्रण से इसको तैयार किया जाता है, कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और किन किन रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, द्राक्षाश्व साध्य वाला है। इसमें लिखा है बल एवं स्फूर्तिदायक है और ये आयुर्वेद का टॉनिक है। इसका प्रयोग जैसा कि मैंने बताया सभी आयु के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम शक्तिवर्धक टॉनिक है और ये आपके पेट को साफ रखता है और इससे भी और बहुत सारे रोगों में काम करता है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिए, इसका जो रेट है वो 156 रुपये है जो कि 450 ml की पैकिंग में उपलब्ध है। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो इसमें मुनक्खा ली जाती है 100 शेर इसमें मुनक्खा को, इसमें जो है 100 शेर 400 तोला मुनक्खा को इसमें लगभग 128 शेर पानी में पकाया जाता है और इसका जब आठवा हिस्सा शेष रह जाता है तब इसको उतार लिया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद इसमें जो है खांड या चीनी इसमें मिलाई जाती है। ये 6 शेर के लगभग इसमें खांड या चीनी कुछ भी आप इसमें मिला सकते हैं। इसमें मिलाने के बाद इसको फिर मधु इसमें 6.25 शेर मिलाया जाता है। उसके बाद इसमें दाए के फूल 80 तोला मिलाए जाते हैं और इसके अलावा भी इसमें कंकोल मिर्च, लौंग, जायफल, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपात, नागकेसर, पीपल, चित्रकमूल, चव्य, पीपलामूल, संभालू के बीज, रेणुका, इन सभी को जो है इसमें 5-5 तोला इसमें मिलाया जाता है। इनको मिलाने के लिए इसका जोकुट तैयार कर लिया जाता है और जोकुट तैयार करने के बाद इन सभी चीज़ों को एक जगह मिलाकर जो गर्त लिप्त घड़े होते हैं, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ आशा वरिष्ठ बनाने के लिए अलग से घड़े होते हैं जो चिकने उनमें घी लगा हुआ होता है, उस तरह के घड़े में इसको 1 महीने तक सभी औषधियों को एक जगह मिलाकर संधान करके रख दिया जाता है। 1 महीने के बाद इसको जो है 1 महीने में तैयार हो जाता है और उसके बाद आप इसको छान कर रख सकते हैं। ये आपका द्राक्षाश्व जो साध्य वाला है ये तैयार हो चुका है। इसका जो ये द्राक्षाश्व स्पेशल है इसकी बात करें तो इसका रेट 256 रुपये है, ये बैद्यनाथ का है। द्राक्षाश्व स्पेशल के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर आप आयुर्वेदिक स्टोर से आप इसको ले सकते हैं। इसमें जो इसका कंपोजिशन है ये इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने के लिए। इसके बनाने के लिए इसमें मुनक्खा 5 शेर ली जाती है, खांड 20 शेर ली जाती है और बेर की जड़ इसमें 10 शेर ली जाती है, दाए के फूल 5 शेर और इसमें सुपारी, लौंग, जावित्री, जायफल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, सौंठ, पीपल, मिर्च, रूमी मस्तंगी, अकरकरा, कूट, इन सभी को जो है आधा आधा शेर इसमें लिया जाता है। इसमें लेने के बाद इन सभी औषधियों को अच्छी तरीके से इसमें कूटने के बाद जितनी भी इसमें ये चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं इसको कूटकर मिट्टी के चिकने पात्र में इसको जो है ऐसे ही या फिर लकड़ी का जो काठ का जो
हंडी या जो भी है बन जिसमें भी ये रखा जाता है आसवरिष्ट बनाने के लिए, कोई भी बर्तन खास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी जो इसमें आसवरिष्ट बनाए जाते हैं उन सभी में इसको रख लेते हैं। सभी औषधियों को एक जगह मिलाकर इसमें रख दिया जाता है। इसमें दो तरीका था, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें जो द्राक्षारस सादा होता है उसको पकाया जाता है मुनक्खा को, और जो मैं ये अब बता रहा हूँ द्राक्षारस स्पेशल, इसमें इसको मुनक्खा को पकाया नहीं जाता। इन सभी औषधियों को जो है जो इसमें ऐसे ही मिलाकर, सबको एक जगह मिलाकर गड़े में ये संधान करके इसको जो है, सबसे पहले तो इसमें जितनी औषधि ये तैयार हुई है उससे 4 गुना पानी इसमें डालकर गड़े में, और इन सभी औषधि को उसमें मिलाकर उसका मुंह बंद करके 14 दिन तक इसको रख देते हैं। 14 दिन के पश्चात उसमें आसव को निकालकर अरक खींचने वाले यंत्र के द्वारा इसका अरक खींच लिया जाता है। अरक खींचने के बाद फिर उसमें जो है केसर, कस्तूरी, ये सभी चीज़ें इसमें डालनी होती है। डालने के बाद जहाँ से अरक शीशी टपकती है वहीं पर एक पोटली में बांधकर लटका दिया जाता है। इस अरक को 3-3 दिन रखा जाता है। रखने के बाद इसमें जो पीछे से जो चौथाई चीनी मिलाकर बोतलों में इसको छानकर भरकर इसको तैयार कर लिया जाता है। ये इसका द्राक्षारस स्पेशल का तैयार करने का तरीका है। इससे जो ये द्राक्षारस सादे वाला है इससे काफ़ी ज़्यादा गुणकारी है द्राक्षारस स्पेशल। अगर आप इसको ऐसे ही हेल्थ टॉनिक के रूप में भी प्रयोग करते हैं तो ये आपको काफ़ी रोगों से आपको लड़ने की शक्ति देता है, आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके ये आप किन किन रोगों में ले सकते हैं और आप इसकी कितनी मात्रा ले सकते हैं। तो इसका अगर रोगों की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये विशेष रूप से कमजोरी से संबंधित सभी जितने भी शारीरिक कमजोरी है उन सभी में काम करता है। पेट को साफ रखता है, बवासीर को दूर करता है, 6 रोगों में ये लाभ करता है, दमा इससे ठीक होता है, खांसी इससे ठीक होती है, काली खांसी भी इससे ठीक होती है, गले के जो रोग होते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा रक्त दोषों में ये काम करता है, कुष्ठ रोगों में भी ये काम करता है, कृमि जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ ये दुर्बलता की तो एक खास औषधि है ही, जो कि बहुत ही आसानी से और सहज सहज पूरे शरीर की दुर्बलता को नष्ट कर देती है। बड़े बूढ़े जो कि ज़्यादा अच्छा खा नहीं सकते और काफ़ी कमज़ोर रहते हैं तो उनके लिए इसका सेवन करना काफ़ी अच्छा रहता है, और ये शरीर में बल तो पैदा करता ही है, साथ साथ स्फूर्ति भी पैदा करता है। इसके प्रयोग से बलवीर्य की वृद्धि होती है। ये एक सौम्य टॉनिक है और ये पौष्टिक भी है। इससे और भी बहुत सारे रोगों में फायदा होता है। इसके साथ अलग से अगर आप किसी औषधि का अनुपान इसमें लगाते हैं तो ये और बहुत सारे रोगों में काम करता है। दोनों ही आसव अच्छे हैं, आप अपने जो है बजट के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं, या अपने वैद्य से संपर्क करके या डॉक्टर से सलाह करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको जब आपके शरीर में रोग हो जाए तभी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, या आप इसको वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप इसको हेल्थ टॉनिक के जो समान इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में ही एक 126 रुपये का है और दूसरा 210 रुपये का है। दोनों ही आप अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर से ख़रीदा जा सकता है। अगर आप इसको आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क करके भी मंगा सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसको आप जो है 2 तोला से इसको 4 तोला तक लिया जा सकता है, और ये आयु के अनुसार और रोग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। इसके साथ अगर आप जैसे हृदय रोगों में आप अगर आप इसको अर्जुना रिष्ट के साथ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा।
अगर आपको कब्ज रहता है तो आप इसको ऐसे ही शाम को सोते समय ले सकते हैं, खाना खाने के बाद इतना ही बराबर मात्रा में पानी मिलाकर, तो ये आपकी कब्ज को दूर करेगा। ऐसे ही और इसको अगर कमजोरी में लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लोहा सव के साथ आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, यह आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा। ऐसे ही इसके बहुत सारे अनुपान हैं जो कि रोग के हिसाब से अलग अलग होते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक करने के बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।